हाय गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हर वीडियो में एक नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा और सस्ता सा सुविधा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा और सस्ता से अच्छा मिलेगा सीखने, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आप इन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि 2 साल का वारंटी रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वारंटी से पहले आपका इन्वर्टर ख़राब ना हो, ठीक है। और किसी का ख़राब भी हो जाता है, किसी का नहीं भी ख़राब होता है, ठीक है। तो अगर वारंटी के पीरियड में ख़राब होता है तो पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन वारंटी के पीरियड के बाद अगर ख़राब होता है तो आपको पैसा लगता है टेक्नीशियन बुलाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं खुद मतलब इन्वर्टर यूज करता हूँ, माइक्रोटेक का इन्वर्टर यूज करता हूँ, तो मेरा इन्वर्टर में ऑन ऑफ स्विच जो होता है वो ख़राब हो गया था, ठीक है। ख़राब हो गया था तो मैं टेक्नीशियन को फ़ोन किया, तो टेक्नीशियन को फ़ोन किया तो उसने बोला कि ठीक है, तो हम आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों खुद से ट्राई कर लिया जाए पहले, क्योंकि अगर खुद से ट्राई कर लेते हैं तो हो सकता है कि पैसा बच जाए मेरा, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम चला कि 1 रुपया से आपका ऑन ऑफ स्विच बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मेरे पास ये नवरत्न का तेल है, ठीक है। 1 रुपया पाउच आपको मार्केट में 1 रुपया मिल जाएगा आपको। और ऑन ऑफ स्विच जो होता है उसको प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रॉब्लम जो ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो गया था, मतलब ये ऑन ऑफ जैसे ऑन करते थे ना तो ऑन नहीं होता था, अगर ऑन भी हो जाता भी था तो लाइन नहीं आता था, ठीक है, तो फंस गया था वो। और जैसे ही फिर ऑफ कर देते थे फिर भी ऑटोमेटिक लाइन रहता था लेकिन ऑफ नहीं होता था, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप टेक्नीशियन बुलाते हैं तो 500-1000 रुपये चार्ज करते हैं, तो आपको क्यों पैसा देना है जब आपको 1 रुपया में आपका घर बैठे आपका बन जाएगा, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको परेशानी दिखा देता हूँ कि इन्वर्टर मेरा वाकई में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझिएगा, नहीं देखिएगा, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये वीडियो मेरा इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम था। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इन्वर्टर है, इसमें देखिए जैसे अभी ऑफ है इन्वर्टर, लेकिन फिर भी यूपीसी ऑन है, यूपीसी ऑन है, लाइन आ रहा है, ठीक है। अब पूरा मेरा देखिए, अब इसको दबा रहे हैं, दबाने के बाद भी ये ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब अब देखिए ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, ऑन हो गया था, अभी ऑफ नहीं होगा, फिर ऑफ हो गया तो देखिए यूपीसी ऑन हो गया, ठीक है। यूपीसी ऑन है, ऑफ हो जाने के बाद पूरा पावर कट जाना चाहिए मेरा, जितना भी लाइन है रूम में मतलब दुकान में, लेकिन तो आप वीडियो देख लिए कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसको सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसको कैसे ठीक किए थे हम, ठीक है। उसके बाद मेरा अभी इन्वर्टर प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे ठीक करना है आपको, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं कि मेरा जो इन्वर्टर है ये वाला है, ठीक है, ये है, तो ये है, तो ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये मतलब ख़राब हो गया था, तो अभी मैं बना लिया हूँ, देख सकते हैं अब ठीक हो गया। अब इसको कैसे इसको ठीक करना है आपको, तो देखिए ये नवरत्न तेल है, 1 रुपया में आपको इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। इसको करना क्या है, करना क्या, सबसे पहले आपको इन्वर्टर को ऐसे सीधा कर लेना है, सीधा कर, अभी भी मैं तेल लगा हुआ देख सकते हैं, देखिए बताओ बोलिए कि नहीं, देखिए तेल अभी भी तेल लगा हुआ है मेरे हाथ में, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि इन्वर्टर मेरा बन गया है, देखिए अभी भी तेल लगा हुआ है मेरे हाथ में, देख सकते हैं, तो करना कि देखिए तेल लगा हुआ है, भींग गया है थोड़ा, तो इस भींग गया तो इस हम इसको ऐसे पॉलिश कर दिए थे। देखिए ये करना कि ये इसको फाड़ लीजिएगा, पहले फाड़ने के बाद आपको इसको सीधा पहले ऐसे कर लीजिएगा, सीधा नहीं कर सकते हैं हम, फिर इसको बना लिए तो इसको पहले सीधा सीधा कर लीजिएगा, सीधा करने के बाद ये जो तेल को फाड़ के इसमें डालना है, ठीक है, सीधा करके डालिएगा, ठीक है। हम तो ऐसे ही थोड़ा सा करवट करके डाल दिए थे, सीधा करके इसको इसमें डाल देना है, डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक आपको इसको ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहिएगा, बस 2 से 3 मिनट में आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ठीक हुआ तो आप कमेंट में मुझे गाली दे सकते हैं, ठीक है, मैं खुद से बनाया हूँ अभी तुरंत, देख सकते हैं बनाया हूँ और रिपेयर किया हूँ, उसके बाद ये वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी ये प्रॉपर वर्क चल रहा है, तो मैं आपको बता दिया हूँ, तो हमको भी नहीं मालूम था कि 1 रुपया से बन जाएगा मेरा इन्वर्टर, ठीक है, इसलिए मैं उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। तो वाकई में ये काम करता है, ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि चल भाई यूट्यूब पर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा कोई भी और मतलब लोग प्रॉब्लम ये फंसे होंगे तो बेकार मैकेनिक को बुलाएंगे और 400-500 रुपया चार्ज बेकार देंगे, इसलिए पहले खुद से ये ट्राई कर लीजिए, ठीक है, ये प्रॉपर आपका वर्क कर जाएगा तो क्यों मैकेनिक को बुलाइएगा, वो बेकार में 400-500 रुपया दे लेगा, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पर डाल देता हूँ ताकि और भी भाइयों लोग को मेरी मदद मिल जाए और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है।